हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी का बजा हुआ 6, तो आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, हम तो ठीक है सभी। तो देखिए ये उठ उठ के बैठ गए। तो ये स्कूल जा रहा है, अभी इसकी यूनिफॉर्म नहीं आई है। मैडम ने घर से ही ना बताया, मैं स्कूल दी मिलता है ये। हाँ तो मैडम ने दी नहीं है ना, अभी तो आई नहीं है अभी इसके लिए। तो मतलब अब ये स्कूल जा रहा है, इसका आई कार्ड ये रहा। तो इसकी 6:30 बजे बस आ जाती है, 6:30 बजे बस आ जाती है। तो अब बस आने वाली है वहाँ पर रोड पे, तो हम जा रहे हैं इसको छोड़ने। और रोड पे रोड का दूरी दिखा रहे। तो गाइस उसकी बस छूट गई और मैं आई लौट के। फिर मैंने चाय बनाई, अपनी चाय पीने लग गई, तो मैं चाय बना के लाई हूँ, पी लीजिए आप भी। गाइस उसकी बस तो आज छूट गई, अब क्या किया जाए उसका। और यहाँ पर आवाज़ बहुत आती है, इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। गाइस मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे किया जाए। तो हेलो गाइस, चलिए अब चलते हैं किचन में। अब अपने लिए, सभी के लिए, घर वालों के लिए खाना बनाना है। तो ये मुझे बनानी है बैंगन, क्योंकि उसके लिए तो सुबह मैंने बनाए थे आलू टमाटर प्याज बनाए थे। तो ये बैंगन बनाने मुझे भरमा बैंगन। तो ये बैंगन को मैंने धुल लिया था, पहले ही धुल के रख दिया था। अब इन्हें पानी में ही कट करना है। तो पानी ले लिया है मैंने, और इसमें 6 कट लगाती हूँ मैं एक बैंगन में, क्योंकि कीड़े वगैरह देख के अच्छे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े से हो जाते हैं, भर में अभी बन जाते हैं और टुकड़े से भी मैं देख लेते हैं। इन्हें पानी में इसलिए काटते हैं कि बैंगन काला हो जाता है अगर बगैर पानी के काटा जाए तो पानी में ही काटना चाहिए। ये मैंने निचोड़ के रख लिए हैं। अब इनके लिए मुझे बनाना है मसाला। तो मसाले के लिए मुझे क्या क्या चाहिए तो आप देखिए। तो मसाले के लिए चाहिए मुझे धनिया पाउडर, वो जो कि आप 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हो, ज़्यादा बैंगन है तो ज़्यादा ले सकते हो अपने हिसाब से। और हल्दी कम लेनी है, इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालते हैं गाइस, क्योंकि मैं इसे लोहे की कढ़ाई में भी बनाऊंगी और हल्दी कम ही डालूंगी। और इसमें मिर्ची, आधी चम्मच मिर्ची ली है, और 1.5 चम्मच इसमें सौंफ डालनी है। तो सौंफ मैंने पीस के रखी है अपने डिब्बे में, थोड़ी ख़त्म सी होने को आ गई है, तो उसे अब दोबारा भरना है मुझे डिब्बे को। तो उसमें से मैंने सौंफ ले लिया है, और इसमें डालना है मुझे अब स्वाद के अनुसार ही नमक डालना है। तो नमक तो आपको पता ही है कि स्वाद के अनुसार ही डाला जाता है, तो ये स्वाद के अनुसार ही नमक डाल लेते हैं। और इसमें डालना है अब मुझे थोड़ा सा तेल। आपके पास सरसों का, मैं हमारे यहाँ पर सरसों का तेल ही यूज किया जाता है हर चीज़ में। हम पूड़ियाँ भी सरसों के तेल में ही बनाते हैं, कुछ भी पकवान हमारे यहाँ बनता है तो वो सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। सब्जी हमारी डेली की बनती है, वो सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। तो ये मैंने सरसों के तेल डाल के मसाला तैयार कर लिया है इसका, और ये बैंगन भर के तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। तो लोहे की कढ़ाई में बैंगन की सब्जी बनाओ या अन्य कोई सब्जी बनाओ, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये लोहे की कढ़ाई छोटी सी है, ये मेरी डेली चलने वाली है, इसे हम डेली ही चलाते हैं, क्योंकि डेली की सब्जी, हम दोनों टाइम की सब्जी इसी लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, जिससे हमें आयरन मिलता रहता है। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई रख दी, इसमें तेल डालना है, और मैं प्याज लहसुन में ये भरमा बैंगन बनाने, तो मैं भरमा मतलब एक एक तरीका वो भी होता है जिसे पीस के हम भरते हैं बैंगन में, वो तरीका नहीं है, ये तरीका ये अलग है। कैसे, मैं प्याज को काट लूँगी और टमाटर को काट लूँगी, हरी मिर्ची को काट लूँगी, वो डायरेक्ट मैं इसी में फ्राई करना है मुझे। तो इसमें मैंने तेल डाल लिया है एक परी के अनुसार। तो अब मैंने प्याज तो काट ली, प्याज को भी मैं भूनने के लिए डाल दूँगी इसमें। तो ये देखिए तेल गरम हो चुका है, इसमें डालना है मुझे थोड़ा सा जीरा, और इसमें मेथी दाना भी डालना चाहिए, क्योंकि मेथी दाने से जो बैंगन होता है ना, वो आपको बादी नहीं करेगा, मतलब पेट में गैस वगैरह नहीं बनाएगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो मैं ज़रूर बैंगन की सब्ज़ी में, चाहे आलू बैंगन बने, चाहे बैंगन की कोई सी सब्ज़ी बने, उसमें ज़रूर मेथी दाना डालना चाहिए जीरे के साथ में। तो जीरे के साथ में मैंने मेथी दाना भी डाल दिया है, गरम हो रहा है, तो अब डालनी है इसमें मुझे प्याज। तो प्याज डाल देते हैं और इसको भूनते हैं, मतलब ब्राउन सी हो जाए इतना भूनेंगे बस, ज़्यादा नहीं भूनना है मुझे। और फिर मुझे कट करने हैं टमाटर और हरी मिर्ची को, पहले काट के इसी में डाल दूंगी मैं।
तो ऐसा करने से, साथ ही साथ कट करने से ऐसा होता है, समय की बचत भी होती है गाइस। भून रही है, प्याज भून रही है उसमें, और मैं मिर्ची कट करूंगी, मिर्ची भी डाल दिया, और जब तक वो बुनेगी तब तक मैंने टमाटर भी कट कर लिया, तो ऐसे समय बच जाता है और साथ साथ में काम भी हो जाता है जल्दी। तो ऐसा ही करना चाहिए, हर हर लेडीज को घर में समय बहुत लगता है, घर में पूरा टाइम ही समय घर को ही दिया जाता है लेडी को, लेडीज का, तो अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। इससे जल्दी जल्दी काम करने के कुछ तरीके होते हैं, वो भी अपनाने चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ को लेके बैठ जाओ, उसी में लगे रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साथ ही साथ हर काम करना चाहिए। तो इसमें टमाटर में मैं हल्का सा नमक डालूंगी, क्योंकि बैंगन में मैंने पहले ही नमक डाल के रखा है, तो इसमें टमाटर में इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें भी थोड़ा नमक इक्वल हो जाएगा और टमाटर भी जल्दी गल जाएगा। तो टमाटर गल रहा है और ये मतलब ग्रेवी सी बन जाती है बिल्कुल। तो अब फिर इसमें हम डाल देते हैं बैंगन को, तो इसमें हम बैंगन डाल के फिर मिक्स कर देते हैं। तो ये मसाला जो होता है बैंगन का, ये भी साथ ही साथ इसका भुन जाता है तेल में, क्योंकि इसमें पानी तो डालेंगे हम, पानी हल्का सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और तेल इसमें ज़्यादा डलता है। तो तेल हम पहले डाल चुके हैं, एक परी तेल बहुत होता है, 50 ग्राम तेल हो जाता है वो, 50 ग्राम नहीं 25 ग्राम है तेल वो, तो मुझे ये नहीं, पक्का नहीं पता है वो परी कितने की है, पर बता दूंगी मैं किसी दिन आपको। तो ये देखिए पानी डाल के मैंने ढक दिया है, अब इसको धीमी आंच पे बनाना है हमें, और उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है और आटा भी छान के तैयार कर लिया है मैंने मार के। गाइस देखिए ये चाय पी रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको हो गए। गाइस देखिए ये चाय बनाई थी मैंने अपने लिए, उन्होंने इसमें से आधी ले ली है, वैसे चाय पीते नहीं है। तो गाइस हम जा रहे हैं ऊपर और ऊपर बनाएंगे लोगों की हाथ की You also Kanjaria. Kanjaria, Kanjaria. चलो गाइस मैं बत्ती सामने से हट जा, मैं बत्ती लगवा लेता हूँ। पन्नी तो दौड़ी जा रही है, कपड़ा तो जा रही, पन्नी भी जा रही, कपड़ा तो ना जा रही, ये कपड़े पहुंच गए। तो गाइस देखिए उस दिन बारिश आई थी तो मेरा चूल्हा सवरा धुब गया, ढाका था, हवा चली, हवा के साथ में उड़ गया वो, और ये पूरा चूल्हा धुल गया मेरा। अब ये फोड़ का घुरा हो जाए फिर भी ये धुल गया। तो चलिए गैस बनाते हैं रोटी, अब हम आँच लगाएंगे इसमें। चलिए बनाते हैं, और बैंगन की सब्जी भरे है, मैं बैंगन की सब्जी के साथ में हाथ की रोटी बनाऊ पानी की, पानी की चूल्हे पे तो बहुत ही अच्छी लगती है गैस, बना के देखना आप, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। बैंगन बैंगन भरे मैं बैंगन बनते हैं, तो हमारे यहाँ प्याज टमाटर डाल के ही बनाए जाते हैं। और पनीर दिया, पनीर ले आऊं मैं, तेल ना, तेल दो मिनट आ रही है, ना 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 अभी तो आ जाए। और गाइस ये मरीज आ गया है जिसके पैर में लगी हुई है चोट, लाइट का गुजरा के डर लगी है, बताओ ना लोई पानी के हाथ की रोटी ऐसी मोटी मोटी होती है। तो गैस तंदूर चल रहा है, तंदूर चल रहा है, तंदूर का ये खाना अब बना के देखना। बैंगन भरे हैं मैं बैंगन और पानी से हाथ की रोटी, पानी की रोटी।
गाइस ये थोड़ा पानी है इसलिए चिपक गया है। देखो गाइस ये रोटी चिपक गई इसमें, तवा तो बहुत गर्म हो रहा है। अरे कहीं गर्म ना है, ठंडे पे डल गई ना आग की वजह से ये चिपक गई। आप तो नीचे रोटी पर थोड़ी थोड़ी जल सी गई है। जली नहीं है, सही सी की है, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब इतनी भी नहीं। मम्मी काट गई मधु बोरा कान पे काट दो बच्चों को, बिल्कुल पास ही आयो, पास में आयो, कितना काटत ना है। देखो गाइस जी अम्मा बाबा रोटी खा रहे हैं, अम्मा तो खा रही है बस, बाबा ने तो खा ली। देखो अरे मोबाइल में लग रही है। देखिए जब मैंने पानी की रोटी बनाई थी और अब तेल की रोटी बनाई जा रही है, ऐसे ही तेल की बनती है, पानी की चिपक जाती है और तेल की नहीं चिपकती है, बढ़िया बनती है रोटी। ऐसे दोनों तरीके से आप बना सकते हैं रोटियाँ। तो देखिए कितनी अच्छी बन रही है तेल की रोटी, ये पहली रोटी है तेल की, कितनी बढ़िया रोटी बन रही है। चलो जी, तो गैस हमारी रोटी फाइनली बन चुकी है। तो गैस देखिए ना दो के हम फ्री हो चुके हैं और हमारी नीलू हमारे लिए लिया है खाना, अब हम खाएंगे खाना। तो ये तो देखिए खाना खा रहे हैं, तो अब हम खाना खाएंगे गैस, तो आप भी खा लीजिए खाना, ठीक है। अभी मेकअप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है अभी भी, तो अभी नहा के आए हैं, थोड़ी देर बस वही खाना लेके आ गई, क्यों क्योंकि अब भूख लगी बहुत तेज, तो खाना खाएंगे हम, ठीक है चलिए आप खाइए खाना। तो गाइस देखिए खाना खाएंगे हम, चूल्हे की रोटी और बैंगन की सब्जी, भरेमा बैंगन की सब्जी। तो देखिए ये भरेमा बैंगन की सब्जी के साथ में चूल्हे की रोटी जो पानी की बनती है बहुत ही अच्छी लगती है गाइस, बना के देखना। और ये पुआ हमारी भाभी लेके आई थी, वो कहीं गई थी, कोई मतलब किसी की दावत थी, वहाँ से लेके आई थी, तो उन्होंने मेरे लिए पुआ भिजवा दिए हैं, तो पुआ भी खाएंगे, आप भी खा लीजिए पुआ। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं पुआ आलू की सब्जी के साथ में, तो चलिए खाते हैं। आप भी खाइए, तो हेलो गाइस अब हम नहा धो के खाना पीना खा के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और अब हमें वीडियो की शूटिंग करनी है थोड़ी, दूसरी जो नंदू नीलू शॉर्ट पर बनाई जाती हैं जो शॉर्ट वीडियो हैं उनकी थोड़ी सी हमें शूटिंग करनी है, तो उसके लिए अब हो चुके हैं हम रेडी। और इस ब्लॉग का यहीं पर एंड होता है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ब्लॉग का यहीं पर एंड होता है, तो बाय बाय टाटा।